बारामूला से खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि दो मिलिटेंट्स की बात करें तो वो पुलिस कस्टडी से जो है फरार हो गए हैं, और इन दोनों मिलिटेंट्स की बात करें तो बताया जा रहा है कि ये दोनों मिलिटेंट्स जो हैं लास्ट ईयर 17 मई की बात करें तो वाइन शॉप पर जो ग्रेनेड फेंका गया था उसमें जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और जिसके बाद ये पुलिस कस्टडी में थे, और सेरी टाइम के दौरान जो है ये दोनों मिलिटेंट्स जो हैं भाग गए हैं, और फिलहाल इसको लेकर मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन दोनों मिलिटेंट्स को पकड़ा जा सके। और इन दोनों की पहचान की बात करें ये दोनों जो है एलिटी मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं, और मरूफ नाजिर और शाहिद शोकत बताए जा रहे हैं, और इन्हें 19 मई को अरेस्ट किया गया था लास्ट ईयर, और फिलहाल ये बारामूला पुलिस स्टेशन से आज सुबह सहरी के वक्त जो है वहां से दोनों एस्केप हो चुके हैं। फिलहाल मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इन दोनों को पकड़ने के लिए, और इनके अंडर जो है ऑलरेडी केस जो है इन पर रजिस्टर्ड किया गया था, और फिलहाल पुलिस के हवाले से ये अपडेट जो कहें कि लास्ट ईयर जो है 17 मई को और इनके इन्वॉल्वमेंट जो है वाइन शॉप पर जो ग्रेनेड फेंका गया था उसमें जो है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है बताई गई थी, और जिसके बाद इन्हें अरेस्ट भी किया गया था, और फिलहाल दोनों पुलिस कस्टडी से जो है फरार हो चुके हैं, और अकॉर्डिंग टू फिलहाल उनकी जो पहचान बताई जा रही है मरूफ नाजिर और शाहिद शोकत बताई जा रही है, और लास्ट ईयर 19 मई को इन्हें जो है अरेस्ट किया गया था, और फिलहाल बारामूला पुलिस स्टेशन कस्टडी से जो है ये दोनों मिलिटेंट्स फरार हो गए, और जिसके बाद अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि दोनों को पकड़ा जा सके। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, और आप देखते रहें चेक न्यूज़ पॉइंट लाइव।